हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। इंडियन पॉलिटी में आज हम करेंगे संविधान की उद्देश्य का प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, किसी भी देश का जो संविधान है उसके स्टार्टिंग में जो है एक भूमिका होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं या प्रस्तावना कहते हैं। और संविधान में जो शब्द उल्लिखित है वह है उद्देशिका, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रस्तावना कह रहे हैं। और ये जो उद्देशिका है यह संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करती है। ठीक है, उद्देशिका किसको प्रकट करती है, संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करती है। तो उद्देशिका जो है यह बताती है कि संविधान जो है वो किसके लिए है। संविधान जनता के लिए है, और उद्देशिका जो है वो लोगों के जो लक्ष्य हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको प्रकट करती है। और इसका उपयोग जो है किसी अनुच्छेद में यदि कोई अस्पष्टता है, स्पष्ट नहीं है वो, तो उसे दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इससे हमें ये भी पता लगता है कि संविधान जो है किस तारीख को बना और कब पारित किया गया। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, पूरे संविधान का सार कह सकते हैं, निचोड़ कह सकते हैं। तो विश्व में सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। ठीक है, ये जो प्रस्तावना है वह हमने कहाँ से ली है, हमने अमेरिका से ली है। लेकिन इसकी जो भाषा है, जो इसमें भाषा लिखित है, वह हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो प्रस्तावना को जोड़ा गया है संविधान में, वो प्रस्तावना उद्देशिका हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। और इसकी भाषा जो है इसमें लिखित, वह हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और प्रस्तावना सहित हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है, और लागू 26 जनवरी 1950 को हो गया था। तो प्रस्तावना उद्देशिका जो है इसको संविधान का परिचय कह सकते हैं, संविधान की भूमिका कह सकते हैं। ठीक है, संविधान का सार, संविधान की आत्मा कह सकते हैं किसे, संविधान की उद्देशिका को। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका जो है, वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो भी याद रखिएगा कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है। तो चलिए डिटेल में जो है हम नोट से इसको जानेंगे। उद्देशिका संविधान का क्या है, सार है, जो संविधान के उद्देश्यों तथा संविधान के दर्शन को प्रदर्शित करती है। संविधान के आदर्शों, आकांक्षाओं से संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में रह रहे विचारों को जानने में मदद मिलती है कि संविधान के क्या आदर्श हैं, क्या लक्ष्य हैं, क्या आकांक्षाएं हैं जो उस समय संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में रही थी। उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहते हैं, लेकिन संविधान में उद्देशिका शब्द का जिक्र किया गया है। प्रस्तावना जो है इसको हम कह रहे हैं, लेकिन संविधान में जो शब्द है वह क्या है, उद्देशिका। भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना या उद्देशिका को भारत के संविधान की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे संविधान का सार है। इसमें हमें ये पता लगता है कि संविधान जो है ये बनाने का क्या उद्देश्य रहा, क्या जो है लक्ष्य रहा, और जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसे जो है कब इसका निर्माण हुआ, कब ये लागू हुआ, सब कुछ हमें इसमें पता चलता है, क्योंकि इसमें संविधान के बारे में सब कुछ जो है वो संक्षेप में मौजूद है। तो प्रस्तावना को हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है, और इसकी जो भाषा है इसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद देखिए संविधान की जो उद्देशिका है उसके तत्व, एलिमेंट्स। ठीक है, तो जहां से प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में आता है, एक तो क्या पूछा जाता है, ये जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, इसको आपको रट लेना है, क्योंकि सीक्वेंस जो है वह भी पूछा जाता है, एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये जो शब्द दिए हैं, जो तत्व हैं संविधान के, तो उनका अर्थ पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता
और सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, या हम कहते हैं इसको आसान शब्दों में स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब हम इसके जो है अर्थ उसको हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये जो शब्द हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये क्या है? प्रस्तावना के तत्व इनको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये पूछा जाता है कि हमारी जो राज्य व्यवस्था है उसका उद्देश्य क्या रहा। तो ये संविधान हमें ये भी बताती है उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है न्याय हो सभी के साथ, स्वतंत्रता मिले सभी नागरिक को, समानता हो सभी के साथ, बंधुता हो, अखंडता हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका, मैंने आपको बताया कि संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और एक बार जो है प्रस्तावना में संशोधन हुआ जहां पर तीन शब्द जो है वह जोड़े गए। कौन कौन से? एक तो जोड़ा गया समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष और तीसरा जोड़ा गया अखंडात्मक। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तीन शब्द जो है वो बाद में जोड़े गए और अब तक एक ही बार जो है वो संशोधन हुआ है। अब हम इसके अर्थ को जानेंगे। तो सबसे पहला जो शब्द है हम भारत के लोग, यानी कि इसका अर्थ क्या है कि समस्त शक्तियों का स्रोत जो है वह भारत के लोगों में है, यहाँ की जनता में है। ठीक है, उसके बाद जो है जो राज्य व्यवस्था है यहाँ की भारत की, उसका स्वरूप कैसा है? तो वो इन शब्दों से जाहिर होता है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि राज्य जो है आंतरिक या बाहरी मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र है, कोई भी बाहरी शक्ति जो है उसके अधीन नहीं होगा अब भारत। ठीक है, दूसरा है शब्द समाजवादी, इसका अर्थ है कि जितने भी साधन हैं, वितरण के साधन हैं, उत्पादन है, उस पर यहाँ की जो जनता है, समाज जो है, उसका नियंत्रण होगा। फिर देखिए पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जो कि शब्द बाद में जुड़ा, इसका अर्थ जो है हम लगाएं तो धर्म निरपेक्ष होता है, यानी कि राज्य जो है जिसका अपना कोई धर्म नहीं होगा लेकिन जितने भी धर्म हैं उनको सभी को मान्यता देगा राज्य। ठीक है, लेकिन राज्य का अपना खुद का कोई धर्म नहीं होगा। उसके बाद है लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या है कि सरकार के समस्त जो शक्ति है वो सरकार को कहाँ से मिलेगी? जनता से मिलेगी, यानी कि जो शासक का निर्वाचन है वो जनता द्वारा वयस मताधिकार के द्वारा होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हो सकता है। उसके बाद देखिए शब्द है गणराज्य, गणराज्य का अर्थ है कि राज्य का अध्यक्ष जो है एक निर्वाचित व्यक्ति होगा जो कि एक टाइम पीरियड के लिए जो है उसको अपना पद ग्रहण करना होगा। ठीक है, और जैसे कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह एक निर्वाचित व्यक्ति हैं, इनका निर्वाचन जो है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया गया है। तो दूसरा शब्द होता है राजतंत्र, हो सकता है एग्जाम में जो है अर्थ पूछ लिया जाए राजतंत्र क्या होता है। भारत में राजतंत्र व्यवस्था नहीं है, राजतंत्र में होता है कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो वंशानुगत होता है, जैसे कि ब्रिटेन में इस वक्त है। फिर देखिए हमारी प्रस्तावना में तीन तरीके के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सामाजिक का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग, ठीक है, भाषा के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान का व्यवहार किया जाएगा। उसके बाद है आर्थिक न्याय। तो आर्थिक दृष्टि से भी राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, चाहे कोई व्यक्ति अमीर है, गरीब है, किसी के पास ज्यादा संपत्ति है, आय है, किसी के पास कम है, ठीक है, समान व्यवहार करेगा। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको समान राजनीतिक अधिकार जो है वो उसको मिलेंगे, और उसे कोई समस्या है तो उसके जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचे, ये भी अधिकार उसके पास है। फिर देखिए तीन तरीके के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और हमारी जो प्रस्तावना है, उद्देशिका जो है, उसमें पांच प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, मेरे एक एक शब्द जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। हमने बात की तीन तरीके के न्याय और पांच तरीके की स्वतंत्रता, एक है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये पांच तरीके की स्वतंत्रता जो है प्रस्तावना में शामिल है।
नेक्स्ट जो तत्व है, एलिमेंट है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जो है हमारी जो उद्देशिका है वहां पर शामिल है। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता का अर्थ क्या होता है, भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में नए 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें केवल एक बार जो है संशोधन हुआ है अनुच्छेद 368 के द्वारा, ठीक है। 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना जो है, उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, आपको एकदम अच्छे से रट लेना है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी आता है कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता या भ्रातृत्व का जो है उल्लेख किया गया है, क्रम में लिखिए। तब आपको ध्यान में रखना है कि न्याय जो है सबसे पहले है, जिसमें 3 तरीके के न्याय की बात की गई है, 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है, 2 तरीके की समानता और 1 भ्रातृत्व का जो है उल्लेख किया गया है। फिर देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में उद्देशिका से संबंधित पूछा जाता है कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है, भाग है या नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर 2 वाद हैं, जहाँ देखिए इन री बैरू बारी 1960 का जो वाद है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत तो भले ही है लेकिन यह संविधान का अंग नहीं है, ठीक है, क्या कहा कि यह संविधान का अंग नहीं है। तथापि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध है या अस्पष्ट है वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है, ये प्रेरणा स्रोत भले ही है और इसके साथ ही इससे ये पता लगता है कि संविधान के निर्माताओं के क्या विचार रहे, उनको जानने में मदद मिलती है और यह संविधान की क्या है, कुंजी है, ठीक है, लेकिन यह जो है संविधान का भाग नहीं है। दूसरा जो वाद आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले अपना निर्णय दिया था कि संविधान का अंग नहीं है उद्देशिका, अपने पूर्व निर्णय को उलटते हुए कहा कि यह उद्देशिका जो है संविधान का भाग है, उद्देशिका में मूलभूत ढांचे के अलावा संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, जिस तरीके से संशोधन जो है वह हुआ भी है और एक बार संशोधन उद्देशिका में किया गया है। तो ये नाम जो है वो आप ध्यान रखेंगे कि किस बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कथन कहा था। तो पहले जो है जब इन री बैरू बारी जो बात है वहां पर कहा कि संविधान का अंग नहीं है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जब इन्होंने निर्णय लिया तब कहा संविधान का अंग है उद्देशिका। और इसके अलावा ये भी बताया कि संविधान के निर्वाचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व होता है, प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ठीक है। तीसरा जो कथन रहा, गोलकनाथ और पंजाब राज्य 1967 में न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान की क्या कहा, मूल आत्मा कहा। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि हम भारत के लोग जो उद्देशिका में जो भी तत्व हैं उनका अर्थ एग्जाम में पूछा जाता है, हम भारत के लोग संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है, ठीक है, लोग कौन है, भारत की जनता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत अपने आंतरिक और बाहरी जो मामले हैं उसमें किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं होगा, जिस तरीके से जो ब्रिटेन था उसके अधीन था भारत, तो अब जो है वह किसी भी बाहरी या विदेशी जो शक्ति है उसके अधीन नहीं रहेगा। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है, तो नियंत्रण कम या अधिक हो सकता है, और देश के जो भौतिक साधनों का यथासंभव समानता के आधार पर वितरण होगा, ये नहीं देखा जाएगा कि कौन जो है अमीर है कौन गरीब है, जो भी भौतिक साधन है देश में उसका समान वितरण होगा और धन का संकेंद्रण केवल कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और ना ही धर्म के आधार पर किसी से विभेद किया जाएगा, यानी सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करेगा,
हमारा संविधान, ठीक है। किसी का भी कोई भी धर्म हो तो राज्य को कोई भी आपत्ति नहीं होगी, लेकिन राज्य का खुद का कोई भी धर्म नहीं होगा। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। तो जहां पर जनता जो है अपने प्रतिनिधि जो है वो चुनकर आगे भेजती है, और इसे कहा जाता है लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन की देखिए बहुत ही अच्छी जो है कोटेशन है कि लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। गणराज्य का वहां अर्थ क्या है? भारत का राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। फिर देखिए कथन जो है प्रस्तावना के संबंध में, ठाकुर दास भार्गव जो है वो कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है। ठीक है, पूछा जा सकता है किसने कहा है कि उद्देश्य का या प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है? तो कहा है ठाकुर दास भार्गव ने। वही अर्नेस्ट बारकर कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? कुंजी नोट है। ठीक है, एन पालकी वाला कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। वहीं पर अय्यर कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के एम मुंशी का कथन है कि प्रस्तावना संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो कथन जो है इनको आप कैसे याद रखोगे? तो थोड़ा सा जो है अपने तरीके से ट्रिक भी बनाई जा सकती है, जैसे कि ठाकुर की आत्मा पवित्र है, ऐसे बना सकते हो तो ये याद हो जाएगी। अर्नेस्ट बारकर देखिए बिल्कुल विदेशी नाम है, तो यहाँ पर नोट है, संविधान का कुंजी नोट है प्रस्तावना। तो नोट जो है वह भी क्या है? इंग्लिश है, इंग्लिश शब्द है, क्योंकि हम कह देते हैं रुपया है, पैसा है। ठीक है, नोट हम नहीं बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है, ऐसे आप ध्यान में रखें। पालकी वाला, और पालकी वाला में देखिए पा से स्टार्ट है पालकी वाला का नाम, और यहाँ पर पा से ही क्या है? परिचय पत्र है। अय्यर के जो सपने हैं वो दीर्घकालिक हैं। उसके बाद देखिए मुंशी, मुंशी का भविष्य जो है वह उज्जवल है, ऐसे ध्यान में रखिए। कैसे भी जो है वो आप अपनी ट्रिक लगा सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके का बन जाएगा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये कथन किसका है? तो ये चार नाम आपके आ जाएंगे, ठाकुर दास भार्गव, अर्नेस्ट बारकर, पालकी वाला और अय्यर। तो आप कैसे दिमाग लगाओगे वहां पर, क्योंकि सभी चीजें जो है वो इतनी ज्यादा याद रह जाएं जरूरी भी नहीं रहता है। ठीक है, तो ट्रिक लगा सकते हैं कि हमने जो है पढ़ा था पालकी वाला पास से स्टार्ट था, और परिचय पत्र भी पास से स्टार्ट था। ठीक है, और विदेशी नाम जो था वहां पर हमने नोट नाम पढ़ा था, ठाकुर के जो लाइनें थी ठाकुर दास भार्गव की, तो उसमें हमने देखा था कि ठाकुर की आत्मा बड़ी पवित्र है। ठीक है, और इसी तरीके से के एम मुंशी के बारे में हमने देखा था कि मुंशी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। तो इस तरीके से आप जो है वो याद रख सकते हैं। तो उद्देशिका के जितने भी पॉइंट थे वो सभी यहाँ पर हैं, और सभी जो है इम्पोर्टेंट हैं। मैंने जो भी आपको समझाया है उसको सभी को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से इंडियन पॉलिटी को जो है हम कंप्लीट करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करें। थैंक यू।